हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आज तारीख हो चुकी है 18 मई 2021 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2021 को लेकर सभी आईपीएल की फ्रेंचाइज मेगा ऑक्शन, आईपीएल के रेज्यूम डेट को लेकर 8 काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निकल कर आई है क्रिक ट्रैकर के हवाले से। क्रिक ट्रैकर के हवाले से 5 ऐसे बड़े प्लेयर्स का नाम दिया गया है जो प्लेयर्स अपनी टीम में मेगा ऑक्शन में रिलीज होंगे, और ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर मेगा ऑक्शन में आप लोगों को सबसे बड़ी बिडिंग होते हुए नजर आएगी। तो बिना किसी देरी के अगर मैं आपको इन प्लेयर्स के नाम बताऊं, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर रखा गया है डेविड वार्नर को, दूसरे नंबर पर रखा गया है सूर्य कुमार यादव को, तीसरे पर ग्लेन मैक्सवेल, चौथे पर टी नटराजन और पांचवे पर कायरन पोलार्ड। तो इसमें से जिन लोगों के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है वो है डेविड वार्नर, लेकिन वार्नर का केस क्लियर है। अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर एक्टिव हैं तो बैरिस्टो, उनके साथ ही राशिद खान और उनके साथ ही केन विलियमसन, इनमें से कोई दो प्लेयर्स पक्का रिटेन होंगे। अगर बात की जाए टी नटराजन की, तो टी नटराजन के ऊपर भी सनराइजर्स हैदराबाद के पास भुवनेश्वर कुमार को रिटेन करने का ऑप्शन होगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए कायरन पोलार्ड की, तो बताया जा रहा है कि एमआई की टीम सिर्फ 3 इंडियन प्लेयर्स को भी रिटेन कर सकती है, यानी कि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। खैर, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट है क्रिक ट्रैकर की और उनके सोर्सेज ट्रस्टेड होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों के हिसाब से इनमें से कौन सा प्लेयर है जो कि अगर नीलामी में आता है तो उसके ऊपर सबसे बड़ी बिडिंग होगी। फिलहाल गाइज, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आती है आईपीएल के ऑक्शन के लिए बैलेंस पर्स होता है वो अभी तक हमें देखने को मिलता था 88 करोड़ का, बल्कि आईपीएल 2019 तक तो हमें सिर्फ 86 करोड़ का बैलेंस पर्स ही देखने को मिलता था। लेकिन उसके बाद लास्ट ईयर बीसीसीआई ने 2 करोड़ रुपए बढ़ा दिए थे और सभी टीमों के बैलेंस पर्स को 88 करोड़ कर दिया गया था। और गाइज, अब बीसीसीआई प्लान कर रही है कि इस बैलेंस पर्स को 88 करोड़ से बढ़ाकर 90 करोड़ कर दिया जाए, यानी कि हर एक टीम के पास अपने 25 प्लेयर्स के स्क्वाड को कंप्लीट करने के लिए 90 करोड़ रुपए का बैलेंस पर्स अवेलेबल रहेगा। देखने वाली बात होगी इस फैसले के ऊपर आखिरी मुहर कब लगती है। फिलहाल गाइज, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर्स जो कि आईपीएल 2021 का हिस्सा थे। हमने आपको बताया था कि भारत में कोरोना वायरस की वजह से अपने क्वारंटीन को कंप्लीट करने के लिए वो लोग मालदीव चले गए थे और उसके बाद उनका क्वारंटीन वहां पर हमें देखने को मिला 2 हफ्ते का। और गाइज, अब फाइनली कल सभी ऑस्ट्रेलिया के आईपीएल प्लेयर्स वहां से वापस ऑस्ट्रेलिया लौट चुके हैं चार्टर्ड प्लेन के थ्रू और वो पहुंच चुके हैं सिडनी। जितने भी आईपीएल के ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स थे वो सारे के सारे एक ही फ्लाइट से वहां पर पहुंचे हैं। तो फाइनली सेफली, जैसा कि बीसीसीआई ने प्रॉमिस किया था, सभी प्लेयर्स अपने अपने घर वापस जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है इंग्लैंड और राजस्थान के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर की तरफ से, जहां पर एक एक करके ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स ही अपनी प्लेइंग 11 बना रहे हैं। एबी डिविलियर्स इस चीज को कर चुके हैं, भारत के तो कई प्लेयर्स इस चीज को कर चुके हैं। तो अब जॉस बटलर ने भी अपनी ऑल टाइम आईपीएल 11 बनाई है। उनकी मैं आपको टीम बता देता हूं, तो उनके हिसाब से इस टीम में ओपन करेंगे जॉस बटलर और रोहित शर्मा। 3 और 4 पर रखा गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को। नंबर 5 पर होंगे एमएस धोनी, नंबर 6 पर कायरन पोलार्ड, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा और इसके साथ ही आखिरी के 4 स्पॉट्स पर हरभजन सिंह को रखा गया है, भुवनेश्वर कुमार को रखा गया है, जसप्रीत बुमराह और उनके साथ ही लसित मलिंगा। ये इनकी पूरी आईपीएल की टीम है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या आप लोग जॉस बटलर की इस ऑल टाइम आईपीएल 11 से सहमत हो, और अगर नहीं तो क्या क्या चेंजेस आप लोग इस प्लेइंग 11 में करना चाहोगे। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है सैम करन की तरफ से। अब अगर आप लोगों को याद हो, इस बार के आईपीएल में और इवन लास्ट ईयर के आईपीएल में भी सैम करन ने अपनी काफी अच्छी खासी पहचान बना ली है, लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं यानी कि टॉम करन, वो अभी तक कुछ ऐसा खास नहीं कर पाए। और ये हमने इस बार आईपीएल में भी देखा था, जहां पर सैम करन ने धुनाई कर दी थी टॉम करन की। तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उनकी पिटाई कर दी थी, उसके बाद जब वो वापस से फील्ड के ऊपर गए, तो जब वो उनको बॉलिंग कर रहे थे तो उन्हें काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, और उन्हें इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो बॉल कहां पर डाल रहे हैं। और ऐसे में आपको ऐसे सीरियस मोमेंट्स पे आईपीएल एक बहुत बड़ी स्टेज है, आपको अपनी हंसी कंट्रोल करनी होती है, लेकिन उनसे नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने एमएस धोनी से इस बारे में बात की, तो एमएस धोनी ने बोला कि उनको जैसा भी फील हो रहा है वो उसको होने दें और जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो क्लियरली आप लोग देख सकते हैं एमएस धोनी ऐसे मोमेंट्स पे भी
हमें प्लेयर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनसी को लेकर निकल कर आती है, जहां पर कुछ न्यूज सोर्सेज के हवाले से या फिर इवन कुछ चैनल्स के ऊपर आप लोगों ने इस न्यूज को देखा होगा कि एमएस धोनी सितंबर वाले आईपीएल में नहीं खेलेंगे। न्यूज काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, लेकिन गाइज हम आपको क्लियर कर दें, एमएस धोनी सितंबर में भी खेलेंगे। एमएस धोनी आईपीएल 2022 भी खेलने वाले हैं। ये बात हम आपको पिछले काफी टाइम से बता रहे हैं कि सीएसके के सीईओ का स्टेटमेंट है कि एमएस धोनी जाना भी चाहते हैं तो भी वो उनको नहीं जाने देंगे। तो एमएस धोनी अपने एटलीस्ट अगले साल के आईपीएल तक आप लोगों को खेलते हुए नजर आएंगे, और ये फैसला अभी का नहीं है, ये फैसला आईपीएल 2020 के बाद ही हो गया था जब एमएस धोनी की कप्तानी पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन ये सीजन तो उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा गया, तो ऐसे में कोई भी रीजन नहीं है कि एमएस धोनी आपको सितंबर में होने वाले इंग्लैंड में आईपीएल को स्किप करते हुए नजर आए, और इवन वो आईपीएल 2022 में सीएसके की साइड से रिटेन्ड होकर अगला आईपीएल भी खेलते हुए नजर आएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोग चाहते हैं कि एमएस धोनी अगले साल का आईपीएल खेले या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है आईपीएल के अगले साल के ऑक्शन के लिए। ऑलरेडी यहां पर जो दो नई टीमें आने वाली हम आपको बता रहे हैं कि हालांकि उनके टेंडर को पोस्टपोन किया जा चुका है, जो कि मई के आखिरी हफ्ते में आने वाला था उसको शिफ्ट करके कर दिया गया है जुलाई के महीने में। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बीसीसीआई इस मामले में कोई भी काम नहीं कर रही है। अब बीसीसीआई ने इनकी टीम फॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी प्लान करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोग इस बात को तो समझते ही होंगे कि अगर मिनी ऑक्शन होता तो इन टीमों को बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता, क्योंकि मिनी ऑक्शन में सभी टीमें अराउंड 20 प्लेयर्स को तो रिटेन कर ही लेती हैं, तो इनके पास कोई भी अच्छा प्लेयर बचता ही नहीं। लेकिन क्योंकि इस बार हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि बीसीसीआई अगर आरटीएम रूल को हटा देती है तो फिर हर टीम तीन ही प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी और काफी अच्छे खासे प्लेयर्स का पूल इनके पास आ जाएगा। तो टीम फॉर्मेशन की अपडेट जो अभी तक हमारे चैनल के ऊपर निकल कर आई है, उसके हिसाब से बीसीसीआई कुछ इस तरीके का प्लान कर रही है कि इन दोनों ही टीमों को तीन तीन अपनी मर्जी के प्लेयर्स छांटने को दिए जाएंगे। लेकिन वो प्लेयर्स ये तभी छांट पाएंगे जब वो प्लेयर्स अपनी अपनी रिस्पेक्टिव आईपीएल की टीम से रिलीज होंगे, यानी कि वो ऑक्शन के पूल में हों या तो वो अनसोल्ड गए हों, उनमें से कोई से भी तीन प्लेयर अपनी मर्जी के छांट सकते हैं, और उसके बदले इनके बैलेंस पर से टोटल 31 करोड़ रुपये डिडक्ट कर लिए जाएंगे, जो कि फेयर है क्योंकि बाकी टीमों के लिए भी रूल यही है कि अगर आप लोग तीन प्लेयर्स को रिटेन करते हो तो आपके टोटल 31 करोड़ रुपये जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्लेयर्स का प्राइस कितना है। तो काफ़ी अच्छी है स्ट्रैटेजी है, देखने वाली बात होगी किस तरीके से इन दोनों ही टीमों के फॉर्मेशन के लिए बीसीसीआई प्लानिंग करती है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि एक बार फिर से हम आपको सबसे पहले अपडेट दे रहे हैं, और ये अपडेट है आरटीएम कार्ड और रिटेंशन की प्रोसेस को लेकर। हम आपको चैनल के ऊपर ऑलरेडी इस बारे में बहुत पहले ही अपडेट दे चुके हैं कि जून से जुलाई के बीच में बीसीसीआई प्लान कर रही है मेगा ऑक्शन को करवाने की, क्योंकि जो ऑक्शन का नॉर्मल टाइम होता है उस टाइम पर बीसीसीआई समझती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगे, भारतीय टीम के भी काफ़ी ज़्यादा मैचेज हैं, और उस टाइम पर मेगा ऑक्शन जैसी बड़ी चीज़ को करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और यही वजह है कि मेगा ऑक्शन जून या फिर जुलाई में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और गाइस अब इसके लिए बीसीसीआई ने पहला नोटिस जारी कर दिया है सभी टीमों को, और उनको बोला गया है कि अपने आरटीएम और रिटेन प्लेयर्स के बारे में अब वो सोचना स्टार्ट कर दें, अभी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो स्ट्रेटजी बिल्ड करना स्टार्ट कर दें, कौन से प्लेयर रिटेन करने हैं, कौन से प्लेयर रिलीज करने हैं, किन के ऊपर आरटीएम कार्ड लगाना है, ये सारी अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग वो कर लें, इसके बारे में उनको इन्फॉर्म किया जा चुका है। यानी कि ऑक्शन की तैयारियाँ तो ऑलरेडी बीसीसीआई ने पर्दे के पीछे स्टार्ट कर दी हैं। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़रूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक या फिर किस टीम के ऊपर देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।